नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप पर आपका स्वागत है। आज से हम यहां शुरू कर रहे हैं 24 सितंबर 2017 को जो प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीसीएस की होने वाली है उसके करंट अफेयर को डिस्कस करने की। यहां पे हम कोशिश करेंगे, एक एक सेगमेंट लेके चलेंगे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, ऐसे फिर विज्ञान का एक सेगमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सेगमेंट होगा, ऐसे ही हम पुरस्कार के पे एक तैयार कर लेंगे, खेल जगत पे एक तैयार कर लेंगे। आज हम पहला राष्ट्रीय घटनाक्रम आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो जनवरी से अगस्त 2017 तक को कवर किया गया है इसमें, और इससे ज्यादा पढ़ने की करंट जरूरत नहीं है। अगर बाद में समय बचेगा तो दो चार महीने का जो इंपॉर्टेंट है उसका एक दो वीडियो बना के हम कवर कर लेंगे। यहां पे मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि फालतू की एक भी बात हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही सिलेक्टेड होकर चलेंगे। ये वीडियो ऐसा होगा जिसको आप देखकर एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप इसको देखें और अच्छे से अच्छा एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्मेंस कर पाए। ये राष्ट्रीय घटना चक्र का वीडियो है, इसमें जो भी घटनाएं और बाद में हमको लगेगा कि ऐड करना जरूरी है तो उसको बाद में ऐड कर दिया जाएगा। फिलहाल जितनी घटनाएं मुझे इंपॉर्टेंट लगी हैं उसको हमने यहाँ पे लिखा है और हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी में होता है तो जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं। तो 2017 जो हुआ प्रवासी भारतीय दिवस, ये 14वां था, ये आप ध्यान रखिएगा, और ये 7 से 9 जनवरी के बीच में हुआ था। डेट भी पूछ लेता है, स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंगलुरु में हुआ था। थीम इसकी क्या थी, थीम भी पूछता है, ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय संबंधों के नए आयाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और यहीं पे लगे लगे हम एक चीज ये देखिए, कभी भी आप ये सारे दिवस ऐसे कुछ पढ़िए तो पहला कहां हुआ था हमेशा ध्यान रखिए, तो पहला 2003 में हुआ था और नई दिल्ली में हुआ था। अब एक काम मैं आपको सौंप रहा हूं कि 2003 में हुआ था तब से कितने सालों पे होता है, प्रत्येक वर्ष होता है, गैप हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीजें आप देखिए जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। और मुख्य अतिथि इस बार के थे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंटोनियो कोस्टा। तो इसमें ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट थे, वही हमने डिस्कस किया है। आइए अगले पे चलते हैं। अगली न्यूज है रायसीना डायलॉग की। ये पूछा जा सकता है कि ये किस लिए, तो एशियाई एकीकरण एवं शेष विश्व के साथ एशिया का बेहतर समन्वय के लिए ये डायलॉग किया गया, और ये दूसरा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दूसरा था और कहां हुआ, नई दिल्ली में हुआ, रायसीना हिल पे हुआ, इस कारण से प्रधानमंत्री जो हमारे सॉरी राष्ट्रपति का आवास है इसी कारण से इसका नाम रायसीना डायलॉग रखा गया। 65 देशों ने इसमें भाग लिया और इसकी थीम क्या थी, नया भविष्य बहुध्रुवीयता के साथ बहुपक्षवाद, ठीक है, नया भविष्य बहुध्रुवीयता के साथ बहुपक्षवाद, ध्यान रखिएगा सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको ये जो नीचे लिंक दिए इस पे प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता मत करिएगा, और बस इसको सही से देख लीजिए, नोट्स भी बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप नोट्स बनाएं। अगली न्यूज है महिला पुलिस वॉलंटियर योजना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और देखिए प्लस साइन मतलब और गृह मंत्रालय, इसलिए प्लस लगा दिया कि ये दोनों अलग अलग याद हो जाए आपको, गृह मंत्रालय का संयुक्त उपक्रम है ये महिला पुलिस वॉलंटियर योजना, और कहां से शुरू की गई, हरियाणा से। अगली देखिए अन्नपूर्णा रसोई योजना, ये राजस्थान सरकार की योजना है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, यूपी की योजनाएं तो इंपॉर्टेंट होती हैं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि लोग यूपी ना मार दें, है ना, तो एक यूपी ऑप्शन भी इसमें रहेगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, राजस्थान सरकार की योजना है। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, ये क्या है, अखिल भारतीय स्तर पर 36 घंटे याद रखिएगा संचालित एक कंप्यूटर प्रतियोगिता है, ठीक है, और सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल राष्ट्रीय निर्माण ये पहल है। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन का संबंध किस चीज से है, कंप्यूटर प्रतियोगिता से है। प्रधानमंत्री युवा योजना के बारे में देख लेते हैं, तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, 5 वर्ष में 7 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, 30 वर्ष से नीचे के युवाओं को, ये देखिए राष्ट्रीय की स्पेलिंग गलत है, राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार दिया जाएगा। तो 30 वर्ष से नीचे याद रखिएगा, 5 वर्ष में 7 लाख से अधिक लोगों को और 30 वर्ष से नीचे के युवाओं को। अगला देखते हैं बाल फिल्म महोत्सव, तो ये दूसरा हुआ, सेकेंड था ये, बहुत सही से इसको दूसरा तीसरा ये सब यूपीपीसीएस बहुत पूछता है, कहां हुआ, जयपुर में। यहीं पे हम देख लेते हैं कि भारतीय बालचित्र समिति के अध्यक्ष कौन है, तो मुकेश खन्ना, शक्तिमान वाले, ठीक है ना, याद रखिएगा। तेजस्वनी योजना, तो ये कहां, झारखंड में शुरू हुई है, ठीक है ना, याद रखिएगा झारखंड में, तेजस्वनी योजना झारखंड में। और 14 से 24 वर्ष की किशोरी एवं युवा महिलाओं को माध्यमिक शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण, देखिए कौशल प्रशिक्षण जुड़ा हुआ है और साथ में माध्यमिक शिक्षा भी है, दोनों ध्यान रखिएगा। और इसको किसने चालू किया है, तो झारखंड में शुरू हुई है, झारखंड गवर्नमेंट तो इसमें है ही है, देखिए झारखंड सरकार साथ में भारत सरकार और विश्व बैंक, यानी भारत सरकार झारखंड सरकार और विश्व बैंक की ये संयुक्त पहल है, ध्यान रखिएगा, और 63 मिलियन डॉलर का ये समझौता हुआ है। आगे चलते हैं।
डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2016, इसमें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, लेकिन केवल इंपॉर्टेंट वेवरत्न पुरस्कार इसमें है, जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और वेवरत्न के अंतर्गत भी प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर, ये तीन तरह के पुरस्कार इसमें दिए गए। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि हर कैटेगरी में एक पुरस्कार राज्य को दिया गया है और एक मंत्रालय को दिया गया है। राज्य तो राज्य है, मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय को दिया गया है, यानी कि हमारी जो भारत सरकार है उसके मंत्रालय को। तो देखते हैं, प्लेटिनम पुरस्कार राजस्थान सरकार को, यानी राज्य सरकार को, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिया गया है। गोल्ड दिया गया है तमिलनाडु को, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दिया गया है, और सिल्वर दिया गया हरियाणा को, और वहां पे केंद्र में विदेश मंत्रालय को दिया गया है। तो प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर याद रखिएगा, ये वेब रत्न पुरस्कार है डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2016 के अंतर्गत। अगली एक ये फैक्ट है कि सबसे लंबा नदी सेतु ये बिहार में नवगंगा सेतु परियोजना है, बिहार नवगंगा सेतु परियोजना, और 9.8 किलोमीटर लंबी है, सबसे लंबी नदी सेतु मतलब पुल बनाया गया, ठीक है ना, बनाया जा रहा है। अरे आगे देखते हैं ये राहत क्या है, तो राहत RAHAT, ये राहत है राजस्थान हार्ट अटैक ट्रीटमेंट प्रोग्राम, ये राजस्थान का है, ध्यान रखिएगा। और जयपुर के एक निजी चिकित्सा संस्थान द्वारा, निजी चिकित्सा संस्थान के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो ये किसी मतलब ना भारत सरकार की ना राज्य सरकार की, एक निजी संस्थान की योजना है। आगे हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में विवाह में अपव्यय पर प्रतिबंध लगाया गया, तो पूछा जा सकता है किस स्टेट में लगाया गया है, तो जम्मू कश्मीर। वैसे ज्यादातर हम निगेटिव चीजों के लिए पढ़ते हैं इसको, लेकिन देखिए पॉजिटिव चीज है, याद रखिएगा, विवाह में अपव्यय पे प्रतिबंध लगाया इन्होंने। भारत सरकार का सबसे लंबा केबल पुल, ठीक है ना, केबल पे आधारित जो पुल है वो कहाँ है, तो भरूच जिला, भरूच कहाँ है, गुजरात में है, और किस नदी पे बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे। अगली न्यूज है, देखिए इंपॉर्टेंट है, पांचवा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ हुआ है, तवांग में, तवांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, और ये किसने आयोजित कराया है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित कराया गया है। अगली न्यूज देखते हैं, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत देखिए ये चर्चा में रहा है इसलिए, 13 अप्रैल 1984 को ये हुआ था और सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए किया गया था। तो जब कभी कुछ पूरा होता है, मतलब चर्चा में आ जाता है, चाहे 25 साल पूरे हों, 50 साल पूरे हों, 100 साल, तो ये किसी कारण से जब चर्चा में आता है तो पूछ लिया जाता है, तो ये था उसमें चर्चा में, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है कि सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है किस लिए हुआ था, और सन भी पूछा जा सकता है, तो आप दोनों चीजें ध्यान रखें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 है ना, तो ये सर्वेक्षण हुआ, इसमें बहुत सारे जो शहर हैं उनको डिग्री में रखा गया शुरू से लास्ट तक, सबसे स्वच्छ से अस्वच्छ की तरफ या अस्वच्छ से स्वच्छ की तरफ। तो हम दो चीजें इसको देख लेते हैं कि सबसे स्वच्छ कौन था और सबसे अस्वच्छ शहर कौन था। तो सबसे स्वच्छ शहर इंदौर था और अस्वच्छ में गोंडा था, दोनों ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। शावनी योजना, शावनी योजना कहां से संबंधित है, तो ये सौराष्ट्र नर्मदा सिंचाई योजना है, ठीक है ना, कहां से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है शावनी परियोजना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। अगली न्यूज है, देश का पहला ओडीएफ ब्लॉक है ना, ओपन डेफिकेशन फ्री ब्लॉक, यानी कि खुले में शौच मुक्त है ना, जहां पे लोग बाहर लेटरिन करने नहीं जाते हैं, ऐसा ब्लॉक कौन सा है, तो रियासी ब्लॉक जम्मू कश्मीर का है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। साबरमती आश्रम, तो ये 100 वर्ष पूर्ण होने के कारण चर्चा में रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया है ना, तो ये 17 जून 1917 को इसकी स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और थोड़ी सी हिस्ट्री में आप पढ़ लीजिएगा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखते तो वो करंट नहीं रह जाता, वो हिस्ट्री बन जाता, या अगर हो सकेगा तो हम कुछ कर देंगे इसके लिए, वीडियो कोई डाल देंगे, है ना। आगे देखते हैं कोच्ची मेट्रो, तो कोच्ची मेट्रो के बारे में ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा शहर है, नंबर पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो ये 8वां मेट्रो शहर है जहां पे मेट्रो चलाई जा रही है। कोच्ची कहाँ है, आपको पता ही है, केरल में है, ये कोच्ची कहाँ है, केरल में, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं चितले समिति, तो चितले समिति का संबंध किससे है, गंगा नदी की गाद निकालने और अवैध खनन रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए यह समिति बनाई गई थी, इंपॉर्टेंट समिति है, सरकार इस पर ज्यादा ध्यान दे रही है, ठीक है ना, और दोनों जगह इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसको पूछा भी जा सकता है। स्किल फॉर लाइफ सेव ए लाइफ अभियान, ठीक है ना, तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल विकास करना, याद रखना है आपको, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या करना है, कौशल विकास करना है, स्किल फॉर लाइफ सेव ए लाइफ अभियान। अब सेव लाइफ सेव कौन करेगा, स्वास्थ्य क्षेत्र वाले ही कर पाएंगे ना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, तो ये 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन उपलब्ध कराने की योजना है, और ये संचालन कौन करेगा इसका,
LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, इसको संचालित करेगी। भारत में लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में अच्छी प्रथाओं और नवाचार पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंदौर में हुआ। किसपे? लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में अच्छी प्रथाओं और नवाचार। नवाचार की अंग्रेजी क्या होती है? इनोवेशन, ठीक है ना, याद रखिएगा। आठवें थिएटर ओलंपिक्स की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आठवां थिएटर ओलंपिक्स होने जा रहा है, थिएटर ओलंपिक, तो ये याद रखिएगा, आठवां है, ये भी प्रश्न बन सकता है। मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और विश्व का सबसे बड़ा थिएटर समारोह है ये, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2017 को किस रूप में मनाएगी? तो गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाएगी, गरीब कल्याण वर्ष है ना, गरीबों के कल्याण का वर्ष मनाएगी, याद रखिएगा। जीएसटी संशोधन है, जीएसटी संविधान संशोधन कौन सा है? 101वां, ठीक है ना। इसको वैसे मेरा एक जीएसटी का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, करंट में पड़ा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। सारी जीएसटी के जितने भी संभावित प्रश्न है जो बन सकते हैं उसमें चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि 24 से 27 जून तक प्रधानमंत्री ने दौरा किया, ये देखिए प्रश्न के फॉर्म में है ये, तो किन किन देशों का दौरा किया? तो पुर्तगाल गए थे, अमेरिका गए थे, तो नीदरलैंड गए थे, ठीक है ना। ये तीनों आप याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कौशल विकास मिशन को विश्व बैंक द्वारा कितना ऋण दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी प्रश्न, फैक्चुअल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो कितना ऋण दिया गया है? 25 करोड़ डॉलर का। पहला भारत का पहला वैश्विक धरोहर शहर, वैश्विक धरोहर शहर कौन है? अहमदाबाद है ना। एशिया का ये तीसरा शहर है, भारत का तो, इंडिया का क्या है? इंडिया का तो ये फर्स्ट है, लेकिन एशिया का ये क्या है? एशिया का थर्ड है, ये तीसरा शहर है। अब भारत में 36 विश्व धरोहर में शामिल स्थल हैं, उनमें से याद रखिएगा 28 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। मिश्रित वाला पूछा जा सकता है फिर से, तो यह है कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजंगा मिश्रित है। तो याद रखिएगा कि 36 है, 28 7 और 1। देश का पहला प्रौद्योगिकी एवं नवाचार केंद्र कहां है? पंजाब में ये खोला गया है, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा? DIPP के द्वारा। जरा DIPP की फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग, ठीक है ना, और ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, लोग जान जाए इसको। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये भी प्रश्न बन सकता है, आप इसको भी बताइएगा। मैंने वैसे इशारे में यहाँ पे लिख दिया है, समझ गए आएंगे आप लोग। देश की पहली सौर ऊर्जा पैनल युक्त डेमू ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया, ठीक है ना, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। तो ये कहा इंपॉर्टेंट क्या है? सौर ऊर्जा पैनल युक्त है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, ये रायपुर का जो हवाई अड्डा है उसका नाम है, इसको उपभोक्ता संतुष्टि में प्रथम स्थान मिला है, है ना, यानी कि यहाँ पे जो भी गया वो संतुष्ट रहा, उस हिसाब से इसको प्रथम स्थान देश में है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, देखिए संस्थान थोड़ा गलत लिख गया है, का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित कहाँ किया गया, तो ये वाराणसी के राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में किया गया। कहाँ? अब एक इसमें देखिए दो प्रश्न हो गए, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो आप मार सकते हैं ये आंसर की वाराणसी में है, और यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया गया, ठीक है। भारत एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 H5N8 ये दो टाइप हैं से मुक्त घोषित किया गया, कब घोषित किया गया? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 जून 2017 को, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमने जो डिस्कस किया ये यहीं पे समाप्त होता है। ये राष्ट्रीय था, फिर ऐसे अंतरराष्ट्रीय एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, जैसा हमने शुरू में ही प्लान बताया है। इसका मैं PDF भी डाल दूंगा इस ग्रुप को, अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो भी डिस्कशन होता है उसका इंपॉर्टेंट PDF यहाँ पे मिल जाता है, आपको नोट भी नहीं करना पड़ेगा, और PDF ये ऐसे लिखा हुआ नहीं, बिल्कुल ब्लैंक होगा, अपने हिसाब से आपको उसमें लिख के आप पढ़ सकते हैं, और बहुत कम, बहुत शॉर्ट में है, लेकिन प्रश्न इसमें से आएंगे ये लगभग निश्चित है, ठीक है ना। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तो इसको पहुंचाइए, है ना, और आप इससे YouTube चैनल जो हमारा है IS Prep, इससे जुड़े रहिए, जैसे कि आपको जो भी